नमस्कार दोस्तों, मॉनसून बारिश का मौसम जब आता है तो आपने देखा होगा कि जब तेज़ बारिश आती है तो हमारे जितने भी नालियां हैं, पाइप्स हैं, वो साफ़ रहने चाहिए। अगर कहीं भी कोई रेनी वाटर का जो आपका पाइप है, रेन वाटर का जो छत से आता है या कोई पाइप जो बाहर आपके पानी को ले जा रहा है, उसमें कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पाइप ब्लॉक होगा तो सारा पानी अंदर जा कर के आपके घर में घुस जाएगा और अनेक प्रकार की समस्या आपको पैदा करेगा। आपको लग रहा होगा कि आज मैं पाइप की, रेनी वाटर की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे पाइप हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं जिनको हम स्रोतस बोलते हैं। और जिस प्रकार से हमें बारिश के मौसम में बाहर के पाइप्स वगैरह को सबको साफ रखना है, ऐसे इन जो अंदर के स्रोतस हैं इनको भी साफ करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस सीज़न में आपको पंचकर्म चिकित्सा के बारे में मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा सा समझ आ रहा है, पंचकर्म चिकित्सा आपको करानी चाहिए। मौसम अच्छा बारिश का रहता है तो यू कैन ऑलवेज़ कम जीवा में आएँ और अपने शरीर में जहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेज हैं, या गर्मी के बाद ख़ास तौर से जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो कई दोष हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, उनको हमें बारिश के मौसम में साफ़ करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा अलग अलग होती है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं आयुनिक जीवा आयुनिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, और उसमें हम हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो पंचकर्म चिकित्सा है चाहे औषधि की चिकित्सा है, वो यूनिक होती है। और वो कौन डिसाइड करते हैं, वो हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उनसे एक परामर्श लें, उनसे बातचीत करें। और ये अच्छा मौका है कि आप हमारे सेंटर में आएँ और अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ़ करें, जैसा कि हम एक शब्द प्रयोग करते हैं कि अपनी बॉडी की सर्विसिंग आप करें। क्योंकि जब साफ स्वच्छ शरीर रहेगा तो दोषों का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, हमारे जो बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ, अनेक प्रकार की जो भोजन या कई प्रकार की जो हमारी प्राण शक्ति या हम कहें कि धातुओं का जो पोषण है, वो जो बॉडी के अंदर चल रहा है, वात पित्त कफ सारी चीज़ें जो एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके अपना काम कर रही हैं, तो उनका जो सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है कि अच्छा रहना चाहिए। और सर्कुलेशन अच्छा कब रहेगा, जब हमारी चैनल्स हमारी नालियाँ साफ़ रहेंगी। तो पंचकर्म जरूर कराएं, बारिश का भी आनंद लें और साथ में बॉडी को भी क्लीन रखें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बनेगी। और हम जैसा कहते हैं बार बार कि पंचकर्म करने से, साफ़ सफाई करने से आप दीर्घायु होते हैं, लॉन्जिविटी आपकी बढ़ती है, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी ओज शक्ति बढ़ती है, जिससे कि आप लंबे समय तक एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। तो पंचकर्म सेंटर में आइए और अपनी बॉडी को क्लीन कराइए।